वगैरह कुछ बनानी है, खाली इन्होंने वो बना रखे है पोले। गाइस हम लोग परात वगैरह लेके आए थे, इसमें शायद निकालेंगे करके, लेकिन क्या करें किस्मत ही खराब है। शायद वैद कुछ नहीं निकला। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो करते हैं नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, और आज पापा देख रहे हैं मधुमक्खी। सुबह के टाइम पे देखते हैं मधुमक्खी, क्योंकि ना दिन में बहुत ज़्यादा धूप लग जाती है, इसलिए ना देखे नहीं जाते वो। सुबह के टाइम पर कम धूप होती है, जब हल्की सी धूप निकली होती है ना तब देखे जाते हैं। तो इन्हें ना हर मंथ, मतलब 6-6 महीने के अंदर ना देखा जाता है कि कैसे काम कर रहे हैं, शहद बनाए कि नहीं बनाए। वहाँ साफ सफाई करना जरूरी होता है बॉक्स के अंदर, और ये जो मिट्टी वाले घर होते हैं ना उनमें ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे हमारा बॉक्स नहीं है, इसमें घर के अंदर ही एक जाला था, तो उसमें ही बना रखा है मधुमक्खी का। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैंने ये जला दिया है दुपहाने के लिए, अभी जला भी नहीं अच्छे से, और जलाना पड़ेगा दोबारा, धुआं धुआं होने लग गया है। फूकती हूँ थोड़ा, जल गया जल गया। मेन तो यही है मधुमक्खी भी देखने के लिए। बाप रे, धुआं ही धुआं। और तो ऐसे ना ये पूरा पेटी को बंद करके रखा हुआ था, और अभी इसे खोल लें अब, क्योंकि मधुमक्खी देखने ना पुराने घरों पर ना ऐसे ही बनाए रहते हैं, पूरा जाला होता है और बाहर से पट्टा लगाया होता है, फिर मिट्टी से बाहर से लीपते हैं इससे मधुमक्खी बाहर ना आए। बढ़िया से सूख गया, ये निकल नहीं रहा है, ये निकला निकला है। ऐसे बंद कर दोगे अब? आए दोस्तों, लेकिन इन्होंने बनाया कुछ नहीं है, खा दिया है सारा। हाँ हाँ, वो बन गया है, बक्षरा बनने की तैयारी चल रही है इनकी। और बाहर पे एक सूखा पोला है, सामने भी फ्रंट पे। और इन तो यहाँ तक भरे रहते थे, आज तो बिल्कुल भी नहीं है। इस पे 4-5 ही हैं। शुरुआत ही कर रहे थे वो बनाने की। तो ये अंडे वाले ना हम काट रहे हैं, मतलब ये नया बक्षड़ी की तैयारी कर रहे हैं, काट रहे हैं। मेरे को मत काटना, वैसे हो गया भाई। आवाज कैसी आ रही है इनकी? अभी तो पूरा धुआं ही धुआं हो गया कमरे के अंदर, और पूरी मधुमक्खी ना फैल गई है इधर उधर। और जब मधुमक्खी काटने आती है ना, तब ये जो धुआं वाला बना रखा है ना यहाँ पर, इसका यूज किया जाता है, जिससे मधुमक्खी काटे ना। आवाज कर रही है सारी मधुमक्खी, बाहर को भी जा रही है, यहाँ पर भी है। धुएं की उसे ना साफ नहीं दिखाई दे रहा है अभी। इन लोगों ने शहद वगैरह कुछ नहीं बना रखा है, सिर्फ ये बना रखा है, जिसे ना नया बॉक्स, मतलब नए बॉक्स में ना शिफ्ट किया जाता है, लेकिन अभी हम ऐसे काट दे रहे हैं। और गाइस हम लोग परात वगैरह लेके आए थे, इसमें शहद निकालेंगे करके, लेकिन क्या करें किस्मत ही खराब है। शहद वैद कुछ नहीं निकला, एक थाली भी पहुंचा रखी है और एक परात भी पहुंचा रखा है। हो पानी के अंदर दो मधुमक्खी भी मर गई रे। नहीं मरी नहीं है, जिंदा है भाई, इनको निकालती हूँ इसके अंदर से, घूम रही हूँ गोल गोल। अब भी मेरे हाथ में ना काटे और जो करती है, चल चल धूप में आ जा। एक तो मरी गई है। तो
गाइस इन्हें फिर से बंद कर दिया जा रहा है यहाँ पर, पट्ठा लगा दे रहे बाहर से क्योंकि देख लिया है साफ सफाई हो गई है, शायद वह तो कुछ निकला ली। सारी मधुमक्खी ना कोई यहाँ पर मर गई हैं और कोई वैसी जिंदा है, इनको बाहर पे साफ करके रखेंगे, अभी धूप आ जाएगी ना थोड़े ठीक हो जाएंगे। अरे आराम से करो आराम से करो, जो जिंदा भी है वो भी मर जाएंगी अब। तो गाइस इसके अंदर है जो नया बक्षेरा बनता है ना, तो वो है इसके अंदर ढक के रखा हुआ है क्योंकि सारी मधुमक्खी ना इसके अंदर आ जाएगी करके, इसलिए इसे पहले से ढक के रखा हुआ है। इसे मैं चुन करके दिखाती हूँ, देखो नए वो बनने वाले थे इसमें मधुमक्खी, आधे बनी हुई हैं आधी नहीं बनी हुई है अभी, तो इन्हें काट दिया अभी। तो कैसे इस टाइप से ना मधुमक्खी को भगाया जाता है। अब लीपेंगे कि हर बार बाहर निकल जा रही है छेद में से अंदर से। अब हो गया बॉक्स बंद, मिट्टी का लेप। बहुत सारी मधुमक्खी मर गई है यार, छी बॉक्स वाले पे नहीं मरती है लेकिन ये जो जाले वाले पे होते हैं ना इसमें मर जाती है। और मैंने अभी पूछा कि इनको क्यों काटा, क्योंकि ना इसमें अंडे बन गए थे और बच्चे भी बनने लग गए थे, तो इन्हें काटा ना मेन होता है, मतलब कभी कभी इन्हें बीच बीच में काटना पड़ता है इसलिए काटे हुए हैं, क्योंकि ये लोग ना फिर शहद नहीं बनाते हैं, इसे बीच बीच में इनको काटना भी जरूरी है। अब इनको क्या करेंगे, किनको? इनको जो ये निकाल दिए हैं अंडे बने हुए हैं, इनको ना आप मिट्टी के अंदर दबा देंगे, मतलब ऐसे फेंकते नहीं है इनको। और अभी भी इसके अंदर ना सारी मधुमक्खियां हैं, इनको साफ कर रहे हैं और उनको साइड रख रहे हैं। एक जगह बना है शायद इस पे, थोड़ा सा है एक टुकड़ा। ये है ना बच्चे, सभी बच्चे हो गए। सारे इसके अंदर ना बच्चे बन गए हैं, जो जो व्हाइट व्हाइट दिख रहे ना सारे बच्चे हैं ये, लेकिन इन्हें ना काटना भी जरूरी होता है, ये तो ये शहद भी नहीं बनाते हैं उसके बाद। ये वाला निकाल दो, उसके अंदर शहद दिख रहा है यहाँ पर, ये ऐसे उल्टे में इस वाले पे शहद तो कुछ भी नहीं निकला, लेकिन बर्तन बहुत सारे आए थे यार, टप आया था, थाली परात। तो ये पूरा बंद कर दिया है बॉक्स को, जिससे मधुमक्खी ना अंदर बाहर ना कर सके। इसका जो जाल है ना मैं बाहर से दिखाती हूँ अभी, और आधी मधुमक्खी तो यहाँ भी मर रखी है पूरी, और इनके आने जाने का रास्ता ये है, पीछे साइड से ना बंद कर दिया है।